नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारी कक्षा 9 का जो गद्य 6 है, गद्य 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिनके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। तो आज हम इस गद्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। वैसे विद्यार्थी मित्रों, आप हरिवंश राय बच्चन को तो जानते ही होंगे, हमारे फिल्मी जगत के जो मुख्य हीरो हैं अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी हैं। तो उनके पिताजी को तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। अगर आप उनके बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम जब ये गद्य को समझेंगे तो उनके बारे में आप अच्छी तरह से जान सकेंगे। वैसे ये तो उनका एक सामान्य परिचय था। विद्यार्थी मित्रों, हरिवंश राय बच्चन जो हैं ये बहुत महान कवि हैं, उन्होंने कई कविताएं भी लिखी हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम गद्य पढ़ने जा रहे हैं, इस गद्य में उनकी जो प्रथम पत्नी थी श्यामा, उनके बारे में लेखक ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। तो आज हम इसी गद्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। हमारा गद्य है 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली, जिनके लेखक हरिवंश राय बच्चन। हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। उन्होंने एक कृति ऐसी लिखी जिसके कारण हिंदी के साहित्य में उनका नाम जो है वो अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन उन्होंने किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही कृति लिखी है, लेकिन उन्होंने बहुत ही विपुल मात्रा में, यानी पुष्कर मात्रा में, बहुत ज़्यादा उन्होंने लेखन कार्य किया है। छायावादोत्तर कवि के कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक रहे। छायावाद के जितने भी कवि थे, इन सभी कवियों में बच्चन जी जो थे वो एक विशिष्ट सर्जक के रूप में रहे हैं। यानी उन्होंने एक अलग अपना जो कवित्व हैं, लेखक जो हैं वो अलग रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और दो एक अन्य स्थलों पर उन्होंने अपनी सेवाएं भी दी हैं। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। यानी वो भारत के एक विशिष्ट कवि थे, तो इसीलिए उन्हें राज्यसभा का एक मनोनीत सदस्य भी बनाया गया था। उसके साथ साथ प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में उन्होंने की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों में, कवि गोष्ठी आदि में उनका गान होता था। यानी ये कविता इतनी प्रसिद्ध थी कि सभी जगह पर उनकी सभाएं होती थी, सम्मेलन होता था, कवि गोष्ठी होती थी, लोग बड़ी संख्या में इसे सुनने के लिए वहाँ पर आते थे। कैम्ब्रिज यूनि से जोहन पेट्स नामक कवि के समग्र वाक्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण आदि प्राप्त हुए हैं। पद्म विभूषण भी उसे मिला था, उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था और सोवियत लैंड पुरस्कार भी उसे
मिला हुआ था। तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो मधु हैं उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जबान पर। तो बच्चन जी की जो कवित्व शक्ति थी ये अद्भुत थी। उनकी कई पंक्तियाँ ऐसी हैं जैसे अभी अभी हमने यहाँ पर सुना कि तीर पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण है, और इस पार प्रिय तुम हो मधु हैं और उस पार न जाने क्या होगा। जैसे उनकी जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो आज भी सभी को याद हैं, आज भी ये पंक्तियाँ लोगों की जुबान पर आती हैं। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंत और एकांत संगीत नामक उनके सुप्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, निड़का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और दश द्वार से सोपान तक शीर्षक से चार खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा अंश है, जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। तो उनकी प्रथम पत्नी जो थी उनका नाम था श्यामा, जो सही अर्थों में कवि की जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, यानी श्यामा को जिस बीमारी हुई जिसमें उन्होंने अपनी जान गंवाई, ये बीमारी श्यामा की अपनी नहीं थी बल्कि बच्चन जी की बीमारी थी, जो बच्चन जी की सेवा करते करते उन्होंने ले ली थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्य परायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथांश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सबर निरूपण मिलता है। दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रागटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ इस युग का चित्र भी दे देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। उसका यह शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो हमारा गद्य है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, एक क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है, और इस गद्य का शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली यही ये बात स्पष्ट कर देता है कि लेखक की जो बीमारी है वो उनकी पत्नी श्यामा ने ले ली है। तो ये शीर्षक से ही घटना जो है वो स्पष्ट हो जाती है। तो आज हम इसी गद्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। दुलराना यहाँ पर है, दुलराना मतलब लाड़ प्यार करना। विद्यार्थी मित्रों, कई लोग ऐसे हैं कि जिसे जरा सी बीमारी हो जाती है तो पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहते, मैं बीमार हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं बीमार हूँ, आज मुझे ये बीमारी हो गई है। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैं इस प्रकार से बीमारी को लाड़ प्यार करने वालों में नहीं था। लेखक को चाहे किसी भी बीमारी क्यों न हुई हो, कैसी भी बीमारी क्यों न हुई हो, वो अभी कभी भी अपनी बीमारी को लाड़ प्यार नहीं करते थे, यानी दुलराते नहीं थे। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्रायः निर्भय था। जो भी बीमारी होती है उसे
सभी बीमारी से उसे कभी भय नहीं लगता था, डर नहीं लगता था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। तो आप सोचिए, लेखक निर्भय क्यों थे? विद्यार्थी मित्रों, लेखक निर्भय इसलिए थे कि गांधी जी की जो लिखी हुई बात शायद उन्होंने कहीं पर पढ़ी थी, जिनमें गांधी जी के उस लेख में लेखक ने पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। लेखक कहते हैं कि भगवान ने हमें शरीर दिया है, उस शरीर को हम अगर स्वस्थ न रख सके तो हम अपराधी हैं। किसके अपराधी हैं? हमारे अपने। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अब ये तर्क था, उस तर्क को लेखक थोड़ा और आगे ले गए। अपराधी को दंड देना चाहिए। जो अपराध करता है उस अपराधी को यानी गुनहगार को दंड तो देना ही चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पकड़कर न लेटता और भी अपने से काम लेता। लेखक कहते हैं जो गुनाह करता है उस गुनहगार को दंड तो देना ही पड़ता है। यानी कि अगर जो शरीर हमें मिला है उस शरीर को हम स्वस्थ न रख सके तब जाके ये बीमार होगा, और बीमार होने पर हमें अपने ही आत्मा को दंड देना चाहिए। इसीलिए लेखक कहते हैं कि जब कभी मैं बीमार होता हूँ तो मैं अपने आप को ही दंड देता हूँ। जैसे कभी लेखक को कोई छोटी मोटी बीमारी होती थी, जुकाम हो जाता, बुखार हो जाता, खांसी हो जाती, सिर दर्द होता, तो लेखक कभी भी खाट पर नहीं लेट जाते थे और अपने आप जितना ज़्यादा काम हो सके उतना काम अपने आप करते थे। मुझे भरे भुट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। तो यहाँ पर देख, भरे भुट मतलब बहुत तेज, भरे भुट मतलब बहुत तेज। तो लेखक जब बहुत बीमार होते थे, उसे तेज बुखार होता, तो वो तेज बुखार में भी अपने आप वो काम पर, स्कूल पर ट्यूशन देने के लिए जाते थे। बुखार की गर्मी और तेजी में तो और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है? तो लेखक कहते हैं कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा तेज बुखार होता तो मैं ज़्यादा से और ज़्यादा तेज पढ़ाता था, और जितना बुखार मुझे आता मैं उतना ही जोश से पढ़ाता, क्योंकि मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का कोई अधिकार नहीं। यदि व्यक्ति मजदूरी करता है और वो बीमार पड़ता है तो उसकी रोटी जो है वो बंद हो जाएगी। अगर वो एक दिन काम पर नहीं जाएगा तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, और पैसे नहीं मिलेंगे तो उसे खाने के लिए भी अनाज या कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो गरीब है, मजदूर है, उसे बीमार होने का अधिकार नहीं है। बीमारी अमीरों की हर मजहब की है, यानी बीमारी जो है वो गरीब लोगों की नहीं, लेकिन पैसे वाले लोगों की जो बीमारी है वो हर मजहब की है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। तो जो गरीब व्यक्ति हैं उस गरीब व्यक्ति को कभी भी बीमारी को अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए, यानी कि बीमार नहीं होना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता है। लेखक कहते हैं जब मुझे बहुत तेज बुखार आता था तो ये तेज बुखार मुझे
लिखने में सभी तरह से बहुत ही सहायक होता था और बहुत ही मुझे उनमें से प्रेरणाएं मिलती थी और प्रोत्साहन भी मिलता था। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता। लेखक कहते हैं कि जब मैं बहुत बीमार होता था, मुझे बहुत तेज ताव आता था या तेज बुखार आता था, तो मैं और ज़्यादा अपने शरीर में जितनी गर्मी होती उतनी ही आग होती, जितनी मेरी अनुभूतियाँ जो हैं उसमें अनुभूतियों में और ताप आता, जिससे गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की पट्टी जो मेरे विचार भाव कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यानी जितना तेज लेखक को बुखार होता उतना ही उनके विचार और उनकी जो भावनाएं थी, ये भावनाएं और ज़्यादा निखर कर लेखक उसको अपने शब्दों में उनका वर्णन कर सकते थे। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था। तो लेखक कहते हैं कि मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि मैं अपने बुखार में भी अदबदा कर लिखना, अदबदा कर लिखना मतलब ज़बरदस्ती लिखता, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। लेखक ज़बरदस्ती नहीं लिखते, लेकिन अगर बुखार में लेखक को लिखना है तो बुखार उनके लिए बाधा नहीं बन सकता। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हस्ब मामूल होते रहते थे। हस्बा मामूल मतलब नित्य के नियम के अनुसार, हस्बा मामूल मतलब नित्य के नियम के अनुसार, तो ये नया शब्द है। लेखक कहते हैं कि अगर मुझे हल्का बुखार होता है तो मैं जिस प्रकार से काम करता था उसी प्रकार से काम करता रहता, उसमें कोई भी बाधा नहीं होती। मैं कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें बुखार है, तो मैं पट से जवाब देता कि हाँ बुखार है और मैं भी हल्का बुखार हो। लेखक के बदन, बदन यानी शरीर, लेखक के शरीर को अगर कोई छुए और कहे कि तुम्हें तो हल्का बुखार है, तो लेखक कहते हैं कि हाँ बुखार भी है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और वह जब वह बुखार में होता तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। तो किपलिंग एक अंग्रेज साहित्यकार है, किपलिंग मतलब एक अंग्रेज साहित्यकार है। उन्होंने कहा है कि अपनी आत्मकथा में कि कभी कभी उसे बुखार होता और उसे काम करना पड़ता तो वह बुखार में और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, कहता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं, मुझे याद नहीं है कि मैंने बुखार में कम लिखा हो। वह कैसे बन पड़ा उसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टाने की दो सबसे बड़ी कविताएं साये के नोबल पुरस्कार ठुकरा दो देने पर और दो चट्टान अथवा सीसी पर बरकस हनुमान मैंने प्लूरिसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। प्लूरिसी यानी एक फेफड़े की बीमारी। तो लेखक कहते हैं कि मुझे ये कभी याद नहीं है कि मैंने अपनी बीमारी में कम लिखा हो। दो चट्टान अथवा सिसिफस बरकस हनुमान मैंने, लेखक ने प्लूरुसी में ही पढ़े पढ़े लिखा था। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी। लेकिन लेखक जब तक युवान थे तब तक जो बीमारी थी वो उसे पराजित नहीं करती थी। मैंने ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। लेखक खुद अपनी जिद से अपनी बीमारी को पराजित कर देते थे। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? अब ये बुखार कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहते थे मार के पीछे भूत भागे। तो
जो विश्राम तिवारी थे वो कहते थे कि मार के पूछे भूत भागे, यानी मार भय के कारण बीमारी भी भाग जाती है। कौन सा भय? कार्य करने का। यानी लेखक खुद जो इतना कार्य करते हैं कि उनके पीछे बीमारी भी बैठती नहीं थी, वो इतना काम करते कि बीमारी डर कर भाग जाती थी। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार भागे। तो लेखक ने अपने ही काम से ये सिद्ध करके दिखा दिया था कि मारने से जिस प्रकार से भूत भी भाग जाता है, उसी प्रकार से काम करने से बीमारी भी भाग जाती थी। क्योंकि लेखक जो थे वो जितने ज़्यादा बीमार होते उतना ज़्यादा काम करते, उतना ज़्यादा लिखते, तो इससे उनकी बीमारी भी भाग जाती थी। यह बुखार मामूली न था, लेकिन इस बार जो लेखक बीमार हुए तो इनका जो बुखार था वो मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। ये पिछले 9 महीने से बुखार जो था वो लेखक को आ रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझे दे गया था। लेकिन ये जाने से पहले और बड़ा एक झटका लेखक को दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशन पर मैं जाता था, इस बार स्कूल बंद था, लेखक ट्यूशन देने जाते थे। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, लेखक को ट्यूशन करके जो आमदनी होती थी, पैसा मिलता था, उनकी भी उसे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, जितना वो लिखते थे किताबें, ये किताबें अब नियमित रूप से अभी तक नहीं बिकती थी। कर्ज सिर पर चढ़े थे, लेखक ने कई लोगों से कर्ज लिए थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई, तो बुखार जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले 10 दिन, फिर 20 दिन, फिर महीना, और आगे चलता ही रहा। 2 महीने चला और अंत में जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना होता था, एक तो बुखार था तो बुखार के साथ साथ उसे ट्यूशन देने भी जाना पड़ता था, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता था। पैसा तो चाहिए तो दिन भर स्कूल में पढ़ाते और बाद में ट्यूशन देने भी जाते थे। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 और 102 के बीच। तो सुबह में बिल्कुल उसे बुखार नहीं, शाम को 101 102 के बीच बुखार हो जाता। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी खांसी भी। तो कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती गई और उनके साथ साथ कभी कभी धीमी धीमी खांसी भी आने लगी। दवा शोकिया, दवा बाटू का एक होम्योपैथ कर रहा था, दवा बाटू यानी वैद्य, दवा देने वाला, ये होम्योपैथी का एक दवा बाटू वैद्य जो हैं उनके पास वो जाते हैं इलाज करने में। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है, हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है, तपेदिक। तो लेखक सोचते हैं कि क्या मुझे तपेदिक का बुखार हो गया है, ये तो उनका इलाज एलोपैथिक तरीके से करवाना मेरे बूते की बाहर की बात है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? तो लेखक सोचते हैं कि क्या उस वक्त मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जो मैंने कहा कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? तो जीवा पर सरस्वती बैठना मतलब जो बात कही है वो ऐसे समय में कही है कि बात सच हो जाती है, ऐसा माना जाता है। बैठी हो तो कितना अच्छा होता है,
क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ हैं? जिसने पिछले 6 वर्षों से उन महीनों में ज्वार मुक्त नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कभी मेरी चिंता न बन जाए। तो लेखक कहते हैं कि क्या मैं इसलिए स्वस्थ हूँ कि सॉरी लेखक कहते हैं कि क्या श्यामा इसलिए स्वस्थ हैं कि मैं बीमार हूँ। लेकिन लेखक मानते हैं कि श्यामा अब तक जितने साल तक बीमार रही वो अब मेरी बीमारी में बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं था। श्यामा जो है वो अपनी बीमारी जो है वो अंदर ही अंदर छुपाए हुए थी। लेखक की चिंता में उन्होंने अपने आप को स्वस्थ कर लिया था। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता न था। एक श्यामा ही थी जिसे पता था कि लेखक बीमार हैं। दूसरे किसी को इनके बारे में कोई बात पता नहीं थी, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए जाता था। लेखक जितने भी काम करते थे वो सामान्य रूप से करते थे। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते, गर्मी के दिनों में तो सभी लोग थोड़े बहुत जो दुबले पतले होते हैं वो हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। एक दिन श्यामा लेखक से कहती कि आप डॉक्टर बीके दुबे जी से अपना परीक्षण करवाएं, यानी उनसे अपनी जांच कराए। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। टाल मटोल यानी बात को जो है वो ऐसे वैसे बांटने छोड़ने का प्रयत्न, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा शस्त्र होता है जिनका कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होता। तो लेखक ने बात को टालने का प्रयत्न किया, तो श्यामा जो है वो लेखक को एक निर्णय सुना देती हैं अपना। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएगी। तो श्यामा लेखक से कहती हैं कि जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, अब तो श्यामा की बात लेखक को माननी ही पड़ेगी। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ, तो डॉक्टर मुखर्जी जो थे उसे लेखक उसे दिखाने जाते हैं, और उसे इस बात का भय था कि लेखक को क्षय की जो बीमारी है वो लग गई है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। दवा का जो उपचार था वो उन्होंने उसे लिख दिया और लेखक को कहा कि तुम कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह से आराम करो। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा, तो डॉक्टर ने जो इलाज का जो तरीका था वो बताया, वो लेखक को ऐसा लगा जैसे मौत का परवाना है। क्या मेरी विदा का समय आ गया? मौत का परवाना मतलब मौत की मंजूरी आज्ञा। तो क्या मेरी विदा का समय आ गया? लेखक को लगा कि क्या अब मेरी मौत हो जाएगी? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के साथ साथ विदा की होती देखी तैयारियां बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपने भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? तो लेखक सोचते हैं कि क्या मैं इतने दिनों के लिए ही आया था? कि मैं क्या मेरे जीवन में इतना ही गाना और गुनगुनाना लिखा था? क्या मैं इतना ही संघर्ष करने आया था? क्या मुझे उतने ही दुख उठाने थे? और स्वागत के साथ ही विदा की भी तैयारी होती देखी है, बंद लगी होने, खुलते ही मेरे जीवन मधुशाला। तो जैसे ही अभी जीवन को उन्होंने शुरू किया कि उनका जीवन जो है वो लगता है समाप्त होने वाला है,
क्या शामक के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? तो लेखक को अब लगता है कि क्या श्यामा विधवा हो जाएगी, उनके भाग्य में वैधव्य भी लिखा है। तो इस प्रकार से लेखक अपनी बीमारी से इतने परेशान थे कि उन्होंने अपने ही जीवन में अपनी ही जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति को यहाँ पर दर्शाते हुए वो सोचते हैं कि क्या मुझे इतने ही दिन जीना था, क्या मैं उतने ही संघर्ष के लिए आया था, क्या मुझे उतना ही गाना था, इतना ही गुनगुनाना था, और क्या मेरी पत्नी श्यामा मेरी मृत्यु के बाद विधवा हो जाएगी। तो विद्यार्थी मित्रों, ये लेखक की अपनी चिंताएं थी और उनका परिणाम क्या हुआ आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अस्तु। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने हमारी कक्षा 9 का गद्य जो 6 हैं मेरी बीमारी श्यामा ने ली, उनके बारे में थोड़ा सा उनका परिचय और गद्य को समझा। आज इस वीडियो में हम आगे का जो लेखक का विचार हैं, उनकी सोच हैं, उनके बारे में भी समझने का प्रयत्न करेंगे। अगले वीडियो में हमने देखा कि लेखक किस प्रकार से अपनी जो लिखने की क्षमता है उस क्षमता को अपनी बीमारी में भी किस प्रकार से आगे बढ़ाते रहते हैं। वो जितना ज़्यादा बीमार पड़ते वो उतना ही ज़्यादा लिखते रहते, जितना उसे तेज बुखार होता वो उतना ही ज़्यादा लिखते। लेखक कहते थे, लेखक ने कहा है कि मैं जितना ज़्यादा बीमार पड़ता उतना ही ज़्यादा अपनी बीमारी में लिखता था। लेखक ने हमें ये भी बताया कि बीमार होना जो है वो अमीरों का काम है, गरीबों के लिए बीमार होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो मजदूरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या। रोज की कमाकर खाने वालों के लिए बीमारी है वो ठीक नहीं है, बीमारी अमीरों के लिए होती है। तो लेखक कहते हैं कि मैंने कभी अपनी बीमारी को दुलारा नहीं, यानी उसे सहज कर संभाल कर लाड़ प्यार करके नहीं रखा, बल्कि जितना लेखक को तेज बुखार होता, जितनी ज़्यादा खांसी होती, जितना ज़्यादा उसे सिर दर्द होता, उतने ही ज़्यादा लेखक काम करते। उन्होंने कभी भी बीमारी को बीमारी समझकर खाट पर सोने का प्रयत्न नहीं किया। उसके साथ साथ उनकी पत्नी जो श्यामा थी वो भी लेखक के लिए उतना ही लेखक का ख्याल भी रखती थी, उनका इलाज भी इतनी अच्छी तरह करवाने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया कि अगर आप अपना इलाज नहीं करवाओगे तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। और इसी प्रकार से कई प्रकार से लेखक जो हैं वो अपनी बीमारी को हमें ये समझा, बीमारी में हमें ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि कभी भी अगर हम बीमार हुए तो हम ऐन मान ले और खटिया पर न सो जाए, खाट पर न सो जाए, ये मानकर बिस्तर पर न लेट जाए कि मैं बीमार हूँ तो मुझसे अब कोई कार्य नहीं होगा। बीमारी तो सभी को होती है, जो बीमारी को जितना
उस बीमारी को जितना वो दुलारते हैं, लाड़ प्यार करते हैं बीमारी, उतने ही ज़्यादा दिनों तक हमें बीमार बनकर रखती हैं। लेकिन हम जितना बीमारी में काम करते हैं उतनी ही जल्दी बीमारी भाग जाती है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मुझे लगता है कि क्या अब जो श्यामा हैं उनके भाग्य में वैधव्य भी लिखा है, यानी श्यामा जो हैं वो क्या विधवा हो जाएगी। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो अब हम यहाँ से आगे गद्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। मरने से मुझे डर नहीं था, लेखक कहते हैं कि मैं मरने से नहीं डरता था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, यानी मरना मुझे कठिन भी नहीं लगता था, यानी मुश्किल भी नहीं लगता था। कठिन लगा मरने के पहले जीना। अब कठिन क्या लगा? कठिन लगा मरने से पहले जीना। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन ने छोड़ दूँ। अब पूरा आराम करना डॉक्टर ने कहा था, तो पूरा आराम करने का अर्थ था कि लेखक पाठशाला जाना भी छोड़ दे और ट्यूशन भी छोड़ दे, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ और बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। लेखक को लगा कि मैं स्कूल से छुट्टी ले लूँ और ज़्यादा छुट्टी ले लूँ, अगर मुझे तनख्वाह मतलब वेतन भी न मिले तो बिना वेतन को भी लेखक लेने को तैयार थे, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। अब वो स्कूल से छुट्टी ले ले, बिना वेतन छुट्टी ले ले, तो उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, शालिग्राम उनका भाई था जो अपनी वेतन पर पूरे घर का खर्चा नहीं चला सकता था। कल उनकी बदली हो सकती है अगर उसे दूसरी जगह पर नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे, और अगर उसकी दूसरे शहर में या दूसरी जगह नौकरी की बदली हो जाती है तो वो एक भी रुपया घर भेजने की स्थिति में नहीं होगा। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएगी, लेखक सोचते हैं। तो मैं सभी जगह से छुट्टी ले लूँ, पैसा नहीं कमाऊँगा तो इतनी महंगी महंगी दवाएँ मैं कहाँ से लाऊँगा। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है। जितनी भी वो किताबें लिखते थे उन सभी किताबों की जो कमाई होती थी, वो जो कमाई थी वो अनियमित और अनिश्चित थी। ये तय नहीं था कि इतनी ही किताब बिक जाएगी उतने ही पैसे मिल जाएंगे। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं था, उसने जो कर्ज लिया था दूसरे लोगों से पैसे, वो भी अदा करना बहुत कम नहीं था। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, उनकी पत्नी श्यामा को जब ये पता चला कि लेखक को क्षय की बीमारी हुई है तो वो तो बेचारी कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई। लेकिन तुरंत उसने अपने आप को स्वस्थ कर लिया, दृढ़ भी हो गई और उन्होंने अपनी दृढ़ता भी तय कर ली, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना भी मैं सहन नहीं कर सकूंगा। उन्होंने एक क्षण में इस बात को समझ लिया कि अगर वो कांप गई तो लेखक इस बात को सह नहीं सकेंगे। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया, मतलब जब लेखक को क्षय की बीमारी है ये बात उनके माता पिता को पता चली तो वो स्तब्ध हो गए, पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उनके पिताजी जो थे वो बहुत ही धैर्यवान थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। उनके पिता बहुत ही धैर्यवान थे, उसने लेखक से कहा कि तुम घबराओ मत,
हम घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गया। तो जो शालिग्राम उनका छोटा भाई था वो बेचारा एक असमर्थता की उसास लेकर यानी असमर्थ था, तो एक ऊँडा निसास लेकर श्वास लेकर रह गया। कुछ भी कहने के वो कुछ भी नहीं कह सकता था। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। लेखक ने अब स्कूल से भी छुट्टी ली और ट्यूशन से भी। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गए। उन्होंने किताबों को जो बेचकर थोड़े बहुत रुपये उनके पास घर में जमा पड़े थे उन पैसे दवा मंगवा ली और वो चारपाई पर लेट गए यानी आराम करने लग गए। श्यामा की सेवा साकार हो गई। श्यामा ने उनकी बहुत सेवाएं की जो साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम किसी भी प्रकार की चिंता किए बिना आराम करोगे। जब बहुत कुछ करने को रहता था कि चिंता के लिए समय ही कहाँ था। लेखक के पास तो बहुत कुछ ऐसा कार्य था जो वो करना चाहते थे, तो उनके पास चिंता करने का तो समय ही नहीं था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी, लेकिन अब जब वो आराम करने के लिए घर में पड़े हैं तो चिंता ही चिंता थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। तो जो चिंताएं उनकी थी उनमें सबसे बड़ी उनकी जो कोई चिंता थी तो वो थी उनके माथे पर दूसरों का जो कर्जा था, उधार लिए हुए पैसे थे, उनकी चिंता थी। मेरा इलाज हो या न हो पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। लेखक सोचते थे कि मेरी दवाइयों पर या मेरा इलाज हो न हो, लेकिन दूसरे लोगों से जो मैंने पैसे लिए हैं उस लोगों के पैसों की जो राशि उन्हें देनी होगी, जितने उसे पैसे हर महीने देने होंगे उतने ही तो मुझे देने ही होंगे। उनकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी, यानी पैसा दूसरों को नियमित रूप से वो जो देते थे उनके साथ तो उनकी साख यानी इज्जत जुड़ी हुई थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी, यानी मेरी इज्जत का जाना मेरे मौत से पहले मरना होगा। यानी लेखक मानते हैं कि इज्जत जाने से लेखक मौत के पहले मर जाएंगे, ऐसा वो मानते थे। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था, यानी श्यामा लेखक के बारे में सब कुछ जानती थी। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी? श्यामा पूछती है लेखक से कि क्या तुम किसी बात की चिंता करते हो, किसी बात से चिंतित हो? अगर तुम इसी प्रकार से चिंता ही करते रहोगे तो कोई भी दवा तुम्हें कोई भी लाभ नहीं पहुंचाएगी। मैंने कहा, ट्रैक सोसाइटी ने मुझ पर 400 रुपये कर्ज के करीब 100 अन्य मित्रों के, यानी लेखक कहते हैं कि ट्रैक सोसाइटी के उन पर 400 रुपये का कर्ज है और 100 रुपये अन्य मित्रों के हैं। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूरकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। तो लेखक ने जब ये बताया कि ट्रैक्टर सोसाइटी के उन पर 400 रुपये हैं और दूसरे अन्य मित्रों के 100 रुपये हैं, तो श्यामा ने इसका जो जवाब दिया इस बात का, ये जवाब सुनकर लेखक सहसा उठकर श्यामा को देखने लगे, जैसे श्यामा को एक बार फिर से उसे पहचानने की ज़रूरत होगी। यानी इस रूप श्यामा का आज जो रूप था उस रूप को लेखक जैसे जानते ही नहीं थे। श्यामा ने लेखक से कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो।
तो श्यामा ने कहा कि अभी तुम इस बात की कर्ज की चिंता छोड़ दो। अगर तुम्हारे माथे पर कर्ज है वो रह गया और तुम मर गए तो तुम्हारे मरने के बाद भी इस कर्ज को तो मैं चुका दूंगी, तुम इस बात की चिंता छोड़ दो और अपना जो इलाज है, अपनी जो चिंता है उसे छोड़कर करो। यानी तुम मुझे चिंता मुक्त करने की जो बात मैं तुम्हें कह रही हूँ ये तुम अभी तो अपनाओ। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। तो श्यामा ने जो बात कही थी वो आसान नहीं थी। लेखक जानते थे कि जो बात श्यामा ने कही है लेखक को कि कर्जा तो तुम्हारे मरने के बाद भी मैं चुका दूंगी, ये वाक्य बोलने के लिए उसे अपनी छाती पर वज्र रख लिया होगा। और ये बात उन्होंने इसलिए की ताकि लेखक जो हैं वो चिंता मुक्त रहे और वो लेखक के बारे में क्या कुछ नहीं कर सकती थी। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझसे एकदम गलत लगा। तो लेखक सोचते हैं कि मैंने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया था, ये श्यामा को बिल्कुल गलत लगा था। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। लेखक अपने आप के लिए ना करे तो ना सही, लेकिन श्यामा के लिए तो उसे अपनी बीमारी से लड़कर जीने का संघर्ष जो है वो करना ही चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, आज तक लेखक ने अपनी पत्नी श्यामा के लिए जीवन में कुछ भी नहीं किया। कभी रोकने को कभी करने के योग्य नहीं रहा। नहीं किया तो उसका कारण था कि लेखक कभी ये करने को योग्य ही नहीं रहे। अब यदि मैं इसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। लेखक कहते हैं कि अब अगर ऐसी स्थिति में मैं मर जाता हूं और मेरे मरने के बाद जो मेरे ऊपर कर्जा है उस कर्जे को चुकाने के लिए मैं श्यामा को छोड़ जाऊं तो मेरे जैसा जघन्य अपराधी कौन होगा, यानी मेरे जैसा बुरा व्यक्ति कौन होगा, ऐसा अपराध जो मैं श्यामा के ऊपर करने जा रहा हूँ। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊँगा। सोचते हैं कि नहीं, मुझे अब ठीक होना ही होगा, मैं श्यामा के लिए कोई चिंता नहीं छोड़ जाऊँगा, जीने का रास्ता खोजूँगा। अब मैं किस प्रकार से जी सकूँगा, उस जीने के रास्ते को खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। मुझ पर जो जो चिंताएं हैं उस चिंताओं को मैं जीकर समाप्त करूंगा। एक रात, जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। एक दिन लेखक को लगा कि किसी ने उनके कानों में कहा कि अब भी एक रास्ता है। 15 दिन के इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। लेखक ने 15 दिन इलाज करवाया तो इतने में ही उनका जो बटुआ है खाली हो गया, मतलब जितने पैसे थे वो खत्म हो गए। मैं कदापि नहीं चाहता कि पिताजी घर को हाथ लगाएं, यानी लेखक कभी ये नहीं चाहते कि उनके पिताजी जो हैं वो अपना घर बेच दें। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था, उनके पिताजी ने। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने के लिए एक घर बनाया था, एक शरण स्थल बनाया था, चाहे उस घर में उन्हें भूखे नंगे ही क्यों न बैठे रहना पड़े, लेकिन वो अपना ही तो था, इस बात का तो उसे विश्वास था, तो इसीलिए उन्होंने अपना घर बनाया था। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था।
अब लेखक सोचते हैं कि पिताजी ने इस घर को बनाया था इतने विश्वास से, तो उस घर को वो कैसे बिकने का कारण बन सकते थे। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वास छोड़ने का योग नहीं बना था। लेकिन फिर भी लेखक कहते हैं, फिर भी ये एक नियमित व्यंग्य है, कटाक्ष है कि उनके माता पिता दोनों में से किसी को भी अपने घर की छत के नीचे मृत्यु प्राप्त करने का योग नहीं हुआ, यानी दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे मृत्यु नहीं प्रदान हुई। न जाने राम कहाँ लागे माटी पर, इस समय मैं कैसे जानता। तो लेखक कहते हैं कि राम को पता किस जगह पर क्या होने वाला है, कौन किस जगह पर मृत्यु पामे, किस जगह की माटी किसको नसीब हो, पर मैं इस समय ये बात कैसे जानता। तो और एक दिन मुझे वहाँ रास्ता दिखाई दिया कि जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। लेकिन एक दिन लेखक को एक रास्ता दिखाई देता है जिस पर चलकर लेखक अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा, इस संकल्प ने मुझे दृष्टि दी, इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। तो अब लेखक इस बात का संकल्प कर लेते हैं कि किसी के लिए, विशेषकर मैं श्यामा के लिए अब कोई चिंताएं छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस संकल्प ने लेखक की दृष्टि भी बदल दी और उसे बल भी दिया, यानी अब लेखक ने जीने के लिए एक निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे कितना भी बीमार क्यों न हूँ, लेकिन इस बीमारी से मुझे जल्दी ही अच्छा होना है और मैं अपनी पत्नी श्यामा के लिए कम से कम कोई बीमारी छोड़कर नहीं जाना चाहूँगा। और इसी बात की उन्होंने जब संकल्प किया कि अब मैं कुछ भी हो जाए इस बीमारी से स्वस्थ होना चाहता हूँ और स्वस्थ होकर रहूँगा, तो उसने जो संकल्प किया उस संकल्प ने उसे दृष्टि भी दी और नया बल भी दिया, और इस प्रकार से लेखक इस बीमारी से जल्दी जल्दी ठीक होने का जो बल है वो प्राप्त करते हैं और जल्दी बीमारी से ठीक हो जाने का निश्चय करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अस्तु।